ब्लड रिपोर्ट थी वो मेरी रिपोर्ट आ चुकी, वो भी मेरी नॉर्मल आई, अल्ट्रासाउंड भी मेरा नॉर्मल आया। तो जो मेरे फैमिली डॉक्टर, अरे रुको बकरीद करके जाना, अरे जाओ हमने का है? अरे ये तो रिश्वत खो रही तो अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का सौभिक दुनिया वाले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छी, इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं ये देखिए 11:35 हो रहा है। तो हम कर रहे हैं घर का काम और हस्बैंड जी जा चुके हैं, तो हमने बिछा दिया है, देखिए बेडशीट बिछ चुकी है और झाड़ू लगाने जा रहे हैं, झाड़ू भी इधर पड़ी है। तो हम लगाने जा रहे थे झाड़ू, तो हमने कहा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लें। तो गाइज हमारी रिपोर्ट थी वो मेरी रिपोर्ट आ चुकी, वो भी मेरी नॉर्मल आई, अल्ट्रासाउंड भी मेरा नॉर्मल आया। तो जो मेरे फैमिली डॉक्टर है उन्होंने बताया कि रिपोर्ट एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहाँ से मेरा इलाज चल रहा है कानपुर से, तो अभी हम उनको दिखाना बाकी है, तो जब जाएंगे तो जब उनको दिखाएंगे। और मेरे चेहरे की अब स्वेलिंग भी काफ़ी कम हो गई, देखिए खाली ये यहाँ पर की बच्ची और आइस पर की है हल्की हल्की, और तो काफ़ी हमें आराम है। तो अभी हम कर रहे हैं घर का काम और अभी बनाना है हमें गेहूँ और हमें जाना है मार्केट, मार्केट जाना है, घर की थोड़ी बहुत शॉपिंग करना है, घर के लिए पर्दे लाना है, यहाँ के वो दरवाजे के सब तरफ के पर्दे लाना है, क्योंकि बकरीद आने वाली है, थोड़ा ही टाइम बचा है बकरीद में, तो थोड़ा बहुत जो रह गया वो इंतज़ाम करना है। और क्योंकि घर में काम चल रहा है उधर की फिनिशिंग भी चालू है, तो थोड़ा बहुत जो ये कमरे का ही जो सामान है बस उसी का लाना है। और तो अभी जा रहे हैं गेहूँ बनाने और मेरे ब्लॉग में बने रहिए, तो जो जो करते जाएंगे वो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो गाइस हम नहा चुके हैं और बस नहा धो के अभी आए, बस जा रहे हैं, देखिए गेहूँ बना रहे हैं हम, ये देखिए तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि हमें जाना है पर्दे लेने, तो हम वहीं जा रहे हैं, हमने होड़ लिया है नकाब, तो बस चलिए चलते हैं और पर्दे लेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो गाइस पर्दे लेने के बाद और फिर हम लोग बताशे खाने चले गए, क्योंकि हमारी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब है और इसलिए बाहर की चीज़ कुछ भी नहीं खा रहे थे। तो हस्बैंड जी बोले चलो आज हम तुमको बताशे खिला देते हैं, इनके बताशे बहुत अच्छे हैं, काफ़ी भीड़ रहती है। जी देखिए हम ये वाले कलर के पर्दे लाए हैं और क्योंकि वॉल पर यही वाला पेंट है क्रीम कलर का, तो इसी में सेम कलर मिला के लाए हैं। और ये देखिए और इस दरवाजे के लाए हैं, काफ़ी लेंथ बहुत ज़्यादा है इसकी, तो हम यहाँ पर बैठ के हम सिल रहे थे, ये देखिए सुई धागा है, और ये वाले दरवाजे के लिए लेकर आए, तो ये देखिए हम इनको सिल रहे थे, ये देखिए इसमें हल्के हल्के हमने टाके लगा दिए हैं, तो बाद में इसको हस्बैंड जी से उतरवा लेंगे और उसके बाद हम इसको मशीन से सिल लेंगे, अभी फ़िलहाल ऐसे ही टाके लगा रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए हमको तो बहुत पसंद आए। तो गाइस हस्बैंड जी की नानी आई है, कल की आई हुई है, हम जल्दी चले जाएंगे यहाँ से। अरे रुको बकरीद करके जाना, अरे जाओ हमने का है? जाने दे रहे हैं, अरे ना बाबा ये बैठी अदरक लहसुन छील रही है, बकरीद का इंतजाम कर रही है अपने, अरे नहीं भैया टाइम पास करने आई है यहाँ, है नहीं पास करना, छीलना हम ही को है। तो फ्रेंड्स आज का मौसम देखिए कितना बढ़िया हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कहीं पानी गिरा लग रहा खाला ना? अरे नहीं गिरा था, रुक गया, फिर गिरा। अच्छा गणेश भैया बता रहा था बहुत तेज गिर रहा था पानी, आज लगा नहीं मैं तेज गिर रहा। देखिए ये पेड़ में अमरूद भी आ गए, अभी छोटे छोटे हैं, तभी तो गया नहीं, बहुत बढ़िया मौसम हो गया, बदली एकदम, सब गैया चरने तो आती हैं, बकरी चर रही हैं, गैया चर रही हैं। क्या खा रहे हो? खजूर कहाँ से आ गया? खजूर है ये, कैसे हैं छोटे छोटे से? ये खजूर है? अच्छा ये यहाँ वाले खजूर है, सऊदी वाले नहीं है। नानी खाएंगी आप? खाए हुए कुछ उसमें?
खाली गुठली गुठली है, खाली गुठली निकली है, खजूर में कुछ है नहीं। ले लिए चले आ रहे सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो गाइस आए हैं चावल, ये साल के चावल आ जाते हैं, तो चावल आ गए घर पे और आ रहे हैं लेने। पैरों की मेहनत हो रही है, ले फट गई बोरी। कौन सी दुआ, कौन सी दुआ मांग रहे हैं? किधर है ये तो? बाबा ढोंगी है, बाबा ढोंगी है, ढोंगी है। भागो, खड़े खड़े मुत्ते हो। गाइस ये देखिए, ये है मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और ये है थायराइड की रिपोर्ट और सब कुछ नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक है। हमने कहा आप लोगों को रिपोर्ट भी दिखा दे और अपना ब्लॉग भी एंड कर लें, तो हम जा रहे थे नमाज पढ़ लें, तो हमने कहा पहले अपना ब्लॉग एंड कर लें। तो फ्रेंड्स हम अपना ब्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं, और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।